कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव किया है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दफा उन्होंने मुसलमानों के हालात पर चिंता जताई और हिटलर के शासन का हवाला दे दिया है। आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। गैस चैम्बर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था, क्रिस्टलनाक मोमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है। इधर कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर भी ओवैसी के बयान पर दो कदम आगे बढ़ गए। थरूर ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के नारे से बीजेपी देश की पहचान बदलना चाहती है। मुस्लिम्स का जो अनुभव है कुछ सालों से अच्छा नहीं है हमारे देश में। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई मुसलमान MP नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है जो बीजेपी सरकार ने की है। तो बीजेपी ने ओवैसी के इस विवादित बयान पर निशाना भी साधा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ओवैसी के तमाम आरोपों पर सीधा जवाब दिया, कहा कि हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। ओवैसी के जर्मनी वाले बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बीजेपी उसी बात को दोहरा रही है। रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी यही बोलना था। यूपी के बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी ओवैसी के बयान पर सवाल उठाए और कहा है कि अब ओवैसी की हिटलर शाही बंद हो चुकी है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले, तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। अगर इनकी हिटलरबाजी चल रही होती तो ये कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 4 जून के बाद बीजेपी 400 पार होगी और कमल खिलेगा। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। Zing.